आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारे टीएस ग्रेवाल के एडमिशन चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से बताने वाला हूँ, समझ में आएगा सारा का सारा। बट आप क्या करना है, आपने नोट करना है जो भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। चलिए पहले मैं आपको हाईलाइट बताता हूँ क्वेश्चन के, फिर मिलकर से करेंगे हम सॉल्व। क्वेश्चन की हाईलाइट ये है कि कंपनी में हमारे पास दो पार्टनर थे पहले से, अंकित और बॉबी। यहाँ पर इनका जो शेयरिंग रेशियो है वो भी हमें गिवन है 2:1। इसके अलावा हमें बताया गया है कि भाई जो कैपिटल इन्वेस्टेड इन्होंने करी है कंपनी में वो कितनी है, 7,50,000 और 5,00,000। इसके साथ साथ कहते हैं कि कंपनी को ज्वाइन कर रहा है एक नया पार्टनर जिसका नाम है कार्तिक। कार्तिक जब कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो वो एक शेयर के लिए भी ज्वाइन कर रहा है और साथ साथ कंपनी में कैपिटल भी लेकर आ रहा है, गुडविल भी लेकर आ रहा है। तो कैपिटल लेकर आ रहा है 2,50,000 और साथ साथ यहाँ पे जो गुडविल लेकर आ रहा है वो आ रहा है 60,000। और कितने शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है कंपनी को, कर रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं कि भाई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक एट 45,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्री बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल, ऑल्सो प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाई, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे समझने वाली कि भाई इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना है, साथ साथ जर्नल एंट्री भी करनी है। जर्नल एंट्री का जो केस दे रखा है इस बार एक नया केस दिया है आपको, वो दिया है यहाँ पे रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का। सो रेजिंग और राइटिंग ऑफ में क्या करना होता है वो भी मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखो हमारे पास जो गुडविल होती है उसे हम हमेशा किस रेशियो में बांटते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, बिल्कुल। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, लेकिन अब क्या होगा कि जब भी हमें रेज और राइटिंग ऑफ कहा जाता है तो इसका मतलब समझो, रेज का मतलब है गुडविल को बढ़ाना और राइटिंग ऑफ का मतलब है गुडविल को कम करना। तो एक बार हमें क्या करनी है, गुडविल को बढ़ाना है और एक बार क्या करना है उसे कम करना है। कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल बोला है। कहते हैं एक पहले से ही गुडविल है कंपनी में जो अपेयर हो रखी है, जो कि कितनी है 45,000। यानी कि जो नया पार्टनर कार्तिक आ रहा है उसके आने से पहले कंपनी में गुडविल है। जो गुडविल है पुरानी वो किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की है। अब वो उस गुडविल का क्या करे कंपनी में, हम बोलते हैं कंपनी में कि भाई जब नया पार्टनर आ जाता है ना तो करना ये चाहिए कि पुरानी गुडविल को, पुराने पार्टनर्स को कहो कि लेकर चले जाओ घर, क्योंकि नया पार्टनर आ गया और वो क्या कर सकता है, उस पर क्लेम मांग सकता है, बोलेगा भाई फ्यूचर में 10 दिन बाद बोलेगा इसमें तो मेरा भी हिस्सा है मुझे भी दो। तो बेटर है कि हम ये बोल दें पहले ही हमारे ओल्ड पार्टनर्स को कि भाई नया पार्टनर आ रहा है तो एक काम करो, जो तुम्हारे हिस्से की पुरानी गुडविल है उसे घर लेके जाओ। तो उसको घर लेके जाओ तो किस रेशियो में जाओ, 2:1 में लेके जाओ, क्योंकि वो है तुम्हारा ओल्ड रेशियो, है ना। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम पुराने पार्टनर्स को बोलते हैं अपना पैसा लेके जाओ, यानी कंपनी से क्या करो, पैसा विड्रॉ करो, ड्रॉइंग करो, ठीक है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री बनती है ड्रॉइंग की, जो कि क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल को विड्रॉ करेंगे। तो विड्रॉ की एंट्री क्या बनती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट करो, ठीक है। अब कौन ड्रॉइंग करने वाला है, यहाँ पे हमारे ओल्ड पार्टनर ड्रॉइंग करेंगे। जब भी पार्टनर्स कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो क्या उनका नाम आता है, डेबिट में, ठीक है। जब भी वो पैसा निकालते हैं कंपनी में तो उनका नाम आता है डेबिट में। तो यहाँ पे विड्रॉ कौन करने वाला है, अंकित और बॉबी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंकित, यहाँ पे हम लिखेंगे अंकित कैपिटल अकाउंट, और इसी के साथ साथ हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा पार्टनर जो है बॉबी, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों क्या आएंगे आइटम, डेबिट। अब क्रेडिट क्या जाएगा, ये जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं किस चीज का कर रहे हैं, उसका सोर्स का नाम आएगा। तो भाई हमारा सोर्स ये है कि ये गुडविल लेके जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि ये पैसा गुडविल का लेके जा रहे हैं। कितना लेके जा रहे हैं, अब हमें ये भी पता है कि भाई यहाँ पर जो पैसा है हमारा कितना था, 45,000 था। 45,000 लेके जाएंगे किस रेशियो में, 2:1 में। तो 45,000 को जब हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास निकलेगा 30,000 और 15,000। ये तो क्या हो गया, हमारी विड्रॉ की एंट्री होगी कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में। तो ये आ गई पहली जनरल एंट्री हमारी, ठीक है। इसके लिए नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग द गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, या फिर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि कंपनी को ज्वाइन कर रहा है एक नया पार्टनर जिसका नाम है कार्तिक। कार्तिक जब कंपनी में आ रहा है तो कुछ गुडविल भी लेकर आ रहा है और कुछ कैपिटल भी लेकर आ रहा है। इट मींस उसके आने पर कंपनी में कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है ना। तो अब जो कंपनी में पैसा आ रहा है तो इस इवेंट पे भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, भाई कंपनी में पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल हमारा ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, हर वो चीज डेबिट हो जाएगी जो कि हमारे पास आ रही होगी, है ना। तो कौन सी चीज आ रही है, इसमें उसके आने पर कैश आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैश।
ये हो सकता है वो बैंक में भी पैसा लाया हो, तो फिलहाल मैं कैश कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आपको कहेगा कि किसी क्वेश्चन में कि चेक से लेकर आया, तो वो बैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा लेकर आया भाई, 250,000 कैपिटल का लाया और 60,000 गुडविल का लाया, तो टोटल कितना हो गया, 310,000 रुपए हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, सोर्स बताना है, ये जो पैसा आ रहा है कैश में टोटल 310,000 रुपए, ये किस किस चीज का आ रहा है। तो हमने बताया कि भाई 250,000 तो क्या आ रहा है, कार्तिक की कैपिटल का आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कार्तिक कैपिटल, ठीक है। देखो सिंपल सिंपल जनरल एंट्री है, जो इवेंट हो रहा है हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। दूसरा 60,000 किस चीज का आया था भाई, दूसरा आया था प्रीमियम फॉर गुडविल का, ठीक है। दूसरा आया था प्रीमियम फॉर गुडविल का, ठीक है, जो कि कितना है 60,000 है, तो इजी हो गया। अब हमें नरेशन क्या लिखनी है, बस नरेशन में हमें सिंपल जो हमने इवेंट करा है वो हम बताएंगे, हमारे पास नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, वो नया पार्टनर क्या लेकर आया, कैश के फॉर्म में भाई गुडविल ला रहा है और कैपिटल ला रहा है ना। तो हमने लिख दिया कि भाई बीइंग द न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल एंड कैपिटल, ठीक है, बस हो गई हमारी दूसरी जनरल एंट्री। इसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी और चौथी जनरल एंट्री की, जहां पे हमें केस फॉलो करना है। केस क्या है हमारे पास, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। तो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो देखो रेजिंग का मतलब है कि पार्टनर जब भी रेज लिखा होगा मतलब हमें क्या करना है, गुडविल बढ़ानी है, गुडविल बढ़ानी है, तो रेज का मतलब गुडविल को कर दो डेबिट, ठीक है। यानी गुडविल हमें क्या लिखनी है, डेबिट में लिखनी है। रेज होने का जो यहाँ पे भी हमारे पास रेजिंग वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब गुडविल को हमें कहाँ लिखना है, हमें लिखना है डेबिट। जब भी हमारे पास राइटिंग ऑफ आएगा लिखा हुआ, तो यानी गुडविल को कहाँ लिखना है, क्रेडिट लिखना है, ठीक है। तो गुडविल को अगर क्रेडिट लिख दोगे, ठीक है, तो बाकी अपोजिट में क्या लिखोगे, अपोजिट में लिखोगे पार्टनर्स का नाम। अब ध्यान से एक चीज और सुनना, जब भी रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में रेस करते हैं, ठीक है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जब हम उसे राइटिंग ऑफ करेंगे तो उसमें तीनों पार्टनर होंगे, मतलब सारे पार्टनर्स होंगे, ऑल पार्टनर्स है, और उसे हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो में करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, रेस करनी है गुडविल, किस में करनी है, हम उसे डेबिट कर देंगे गुडविल को, तो हम कर देते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंकित टू बॉबी, ओल्ड पार्टनर्स में होती है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ओल्ड रेशियो में, 2:1 है इनका ओल्ड रेशियो, है ना। तो 240,000 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेस करते हैं, तो हमने एंट्री लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू अंकित अकाउंट क्रेडिट टू बॉबी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा जब हम इसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,60,000 आएगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पर आएगा 80,000। अब हमने क्या करा यहाँ पे, हमने गुडविल को रेस करा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल नरेशन लिख देंगे भाई, बीइंग गुडविल रेस एट फुल वैल्यू, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद आती है लास्ट एंट्री, जो की होती है हमारी राइटिंग ऑफ की। देखो रेस में तो हमने क्या करा, रेस में हम क्या करते हैं, गुडविल को डेबिट करते हैं और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब राइटिंग ऑफ करते हैं तो गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं, तो और किसके बीच में करते हैं, सभी पार्टनर के बीच में करते हैं, न्यू रेशियो में करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए होगा, चौथी एंट्री करने के लिए हमें चाहिए होगा न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो में निकालना पड़ेगा, चलिए मिलकर निकालते हैं। हमारे पास क्या गिवन था, 2:1 गिवन था, साथ साथ हमें यह पता है कि हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो जब भी हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन होते हैं ओल्ड पार्टनर के, और न्यू पार्टनर का सिर्फ नया शेयर गिवन है, ऐसे में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, 1-1/4, यानी कि हमने हमारा जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा हटा दें, अगर उसे 1/4 मिल रहा है उसका, जो उसमें से हिस्सा हटाते हैं, तो बचा हुआ हिस्सा किसका हुआ, हमारे ओल्ड पार्टनर का। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1-1/4 को करने के बाद 3/4, तो 3/4 क्या हुआ, रिमेनिंग शेयर हुआ। रिमेनिंग शेयर को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1, यानी कि अंकित का कितना हुआ, 2/3। तो इससे क्या कराएंगे, रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई, इसी तरह से बॉबी में भी कराएंगे मल्टीप्लाई, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे 6/12, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3/12, और हमारा जो नया पार्टनर है 1/4 के लिए आया कार्तिक, उसके शेयर को हम डिनोमिनेटर से मैच करवाएंगे। तो इसका डिनोमिनेटर कितना करें मल्टीप्लाई कि 12 आ जाए, कि भाई 4 है तो ऐसे हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3/12। अब हमारे पास जो रेशियो आ गए कितना आ गए, हमारे पास रेशियो आ चुका है 6:3:3, ठीक है, 6:3:3। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1:1:2, तो हमारे पास नया रेशियो आ गया 2:1:1। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें बहुत छोटी सी चीज करनी है, हमने ऑलरेडी 2,40,000 की गुडविल जो है
ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो गुडविल हमने यहाँ पे लिख दिया 240,000, अब वो यहाँ पे हमें क्या करनी है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है डेबिट में। मैंने कहा था ना कि हमें राइटिंग ऑफ में क्या करना है, गुडविल वर्ड को हम क्रेडिट कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, गुडविल को क्रेडिट लिख दिया है। अब क्रेडिट अगर मैंने गुडविल लिखा है तो बाकी क्या आएगा, डेबिट में पार्टनर्स का नाम आएगा, राइटिंग ऑफ में क्या आएगा, तीनों पार्टनर का नाम आएगा, जितने भी पार्टनर होंगे सभी का, है ना। अब इसे न्यू रेशियो में करना है तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले पार्टनर के लिए जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,20,000 आएगा, या फिर यहाँ पे 60 आएगा, फिर यहाँ पे दोबारा से 60 आएगा, ठीक है। अब कुछ सवाल आएगा बच्चों का कि भाई यहाँ पर सर आपने जो 2,40,000 की गुडविल निकाली ना, ये कैसे निकाली आपने 2,40,000, क्योंकि हमें क्या करनी होती है, पूरी टोटल फर्म की गुडविल यूज करनी होती है। क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ तो 60,000 की गुडविल गिवन है, आपने 240 ले लिया, है ना, तो यहाँ पे 240 कैसे आया वो भी समझो। हमें टोटल फर्म की गुडविल चाहिए होती है जब हम राइटिंग ऑफ और क्या कर रहे होते हैं, हम रेस कर रहे होते हैं। तो टोटल फर्म की गुडविल कैसे निकलती है, हमारा जो नया पार्टनर कंपनी में आया उसको वो कितनी गुडविल के लिए आया, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। वो आया था 60,000 की गुडविल के लिए, ठीक है, और वो कितना शेयर लेकर आया था, वो लेकर आया था 1/4, उसके शेयर को क्या करा दो, रेसिप्रोकल करा के मल्टीप्लाई करा दो, यानी 4/1, ठीक है। तो 60,000 × 4 हो जाएगा, तो जिससे यहाँ पे क्या आएगा, 2,40,000 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी टोटल फर्म की गुडविल। अगर 60,000 सिर्फ इसकी गुडविल थी तो हमने 4/1 उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया नए पार्टनर के, और उससे मल्टीप्लाई कराने पे जो गुडविल आई ये फर्म की गुडविल हो गई। इसमें तीनों पार्टनर की गुडविल का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2,40,000 निकाला था। अभी हमने इसे इतना समझ लिया, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट से मिलकर वो भी बनाते हैं, चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फटाफट से मिलकर। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा इसको आप पूरा नोट करो और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो हमने जो जनरल एंट्री करी है, जनरल एंट्री से हम कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा रहा हूँ, फिर हम फटाफट से इसे मैं रफ करता हूँ, फिर यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, पहली एंट्री है हमारे पास, देखो यहाँ पर अंकित और बॉबी का नाम कहाँ है, किस साइड है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है पहली एंट्री में। तो आप बोलोगे सर ये तो डेबिट साइड है, तो हमें क्या करने थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इनके नाम के जो अमाउंट है ये हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। किस चीज के अमाउंट थे, गुडविल रिटर्न ऑफ के अमाउंट थे, तो हम वहां पे भी ये लिखेंगे, ठीक है। डेबिट साइड में इनका नाम है तो डेबिट साइड में ही हम कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से दूसरी एंट्री देखो, यहाँ पे जो पैसा है कार्तिक की कैपिटल किस साइड है, क्रेडिट साइड में लिखा है 2,50,000 रुपए। तो हम जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी जो क्रेडिट साइड है वहां पे भी हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल है क्रेडिट साइड में, ये भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, गुडविल का यहाँ पे एक रेज ऑफ करी थी जिसमें पार्टनर्स का नाम कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में है। तो पार्टनर्स का नाम जहां पे भी हम वहां पे भी क्या करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एक एंट्री है जो कि क्या है, हमारे पास पार्टनर्स के नेम डेबिट में है, है ना। जब हमने उसे राइटिंग ऑफ करा था, पहले रेज ऑफ करा था फिर राइटिंग ऑफ करा था, जब राइटिंग ऑफ कर रहे हैं तो हमने पार्टनर्स का नाम कहा है डेबिट में। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमें पार्टनर्स का नाम तो हमें पता चल गया हमने कहाँ कहाँ लिखा है, तो हमने डेबिट में लिखा है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त भी इसे क्या करेंगे, डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। तो हमने बस इतनी सी चीजें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। चलो फटाफट से मैं इसे रफ करता हूं, अब हम आगे इसे करना शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये सारा नोट या स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अभी हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। हमारे पास हमें चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इसका जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। हमारे पास कंपनी में कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो हमारे पास हमें 3 पार्टनर्स के लिए कॉलम बनाने पड़ेंगे, पर्टिकुलर पार्टनर ए, फिर पार्टनर बी, पार्टनर सी। इसके बाद फिर से आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर, क्योंकि एक साइड डेबिट की हो गई यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, और एक साइड हो जाएगी हमारी क्रेडिट की, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एंट्रीज करना शुरू करते हैं। जब आपको मैंने वो सारी जनरल एंट्रीज लिखा है और मैंने कहा हम उसी के थ्रू क्या करेंगे, सारी यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम होता है जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमारा काम ये होना चाहिए पार्टनर्स की कैपिटल सबसे पहले लिखी जाए। हमारे जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल क्वेश्चन में पहले से गिवन थी 7,50,000 और 5,00,000, है ना। तो हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी जो कि कितनी है 7,50,000 और कितनी है 5,00,000, ठीक है।
बस हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, जो हमारा नया पार्टनर आया तो वो कुछ कैपिटल लेकर आया था। आप जर्नल एंट्री को चेक करो कि जर्नल एंट्री में नया पार्टनर क्या कर रहा था, कैपिटल लेकर आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री थी भाई, हमारे नए पार्टनर की कैपिटल थी, कार्तिक कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो वो दोनों कहां थे, क्रेडिट में था। मैंने क्या कहा, जर्नल एंट्री में जो जहां पे भी पार्टनर्स का नाम जहां भी लिखा है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसी साइड लिखी जाएगी। तो हमारे पास दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, है ना। तो हम क्या करेंगे, वो कैपिटल उसकी कहां लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो हम लिखेंगे बाय, ठीक है, क्या नाम है इसका, कार्तिक, ठीक है। तो कार्तिक कैपिटल, तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास, यहां पे आ जाएगा हमारे पास जो कितनी कैपिटल लाया था, वो हमारे पास शायद से 2.5 लाख रुपए लाया था। तो हमने यहां पे लिख दिया 2.5 लाख रुपए, ठीक है, हमने यहां पे 2.5 लाख रुपए लिख दिया। अब इसके बाद क्या लाया था, वो हमारे पास कंपनी में गुडविल भी लाया था, तो उसके हम यहां पे लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना आएगा, 60,000 आएगा। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास फिर से और एंट्री देखो, और एंट्री में हमारे पास क्या क्या थी, मैंने आपको जनरल एंट्री में क्या क्या लिखाया था भाई, जनरल एंट्री में मैंने आपको पहली एंट्री क्या लिखाई थी, विड्रॉ की लिखाई थी, है ना। तो विड्रॉ में क्या था, पार्टनर्स का नाम डेबिट में था, तो वो डेबिट में नाम था जितना अमाउंट था, यहाँ पे भी हम वो डेबिट में लिख देंगे, लेकिन एंट्री में नाम क्या लिखेंगे, बार गुडविल, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, रिटर्न ऑफ, है ना, तो या फिर विड्रॉ कर रहे थे। हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं टू गुडविल, ठीक है, ब्रैकेट में विड्रॉ आप लिख सकते हो, मैंने W लिख दिया खाली। और वहां पे आपने अमाउंट क्या पढ़े हैं, कि हमने क्या क्या अमाउंट थे, 30,000 था, राइट, और इसके अलावा 15,000 था, है ना। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास नेक्स्ट एंट्री में आपको लिखाई थी भाई कैपिटल और प्रीमियम की, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद थर्ड एंट्री में आ दो, जहां पर हमारे पास थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंकित टू भानु, है ना। तो अंकित और टू भानु किस में है, हमारे पास क्रेडिट साइड में। तो क्या क्या अमाउंट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे 1,60,000 और 1,80,000, ठीक है, 1,60,000 और 80,000, सॉरी सिर्फ 80,000, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय यहाँ पे क्या हुआ था, गुडविल रेज, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे गुडविल रेज, ठीक है, गुडविल रेज्ड, ठीक है, बस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या करा था, राइटिंग ऑफ करा था। राइटिंग ऑफ में इनका नाम कहाँ है, डेबिट में। तो डेबिट में तीनों के नाम आ जाएंगे, नाम जहां पर है वहां पे अमाउंट आ जाएंगे, है ना। नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे भाई, टू गुडविल ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, राइटिंग ऑफ लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, राइटिंग ऑफ कितना कितना अमाउंट है, वहां पे लिखा था आपके पास 1,20,60 और 60, है ना, तो 60 और 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने सारी एंट्रीज कर चुके हैं, हमें बस बैलेंसिंग फिगर निकाल के आंसर निकालना है बस फटाफट से। तो अब क्या करते हैं, फटाफट से टोटल करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब बस हमें टोटल करने की जरूरत है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से एंट्रीज को लिखते हैं, पर एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं क्या कोई एंट्री हमारी छूट गई हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारी क्या कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। नहीं, हमारी कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं छूटी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है। यहाँ पे हम टोटल करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 3,10,000 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 3,10,000 करा, यहाँ पे कितना आएगा, 5,80,000 आएगा। जो भी साइड ग्रेटर होगी उसका टोटल करेंगे, हमारी इस साइड में ग्रेटर है, क्रेडिट साइड हमारी ग्रेटर है, तो हम इसका टोटल कर रहे हैं, ना। इधर 7,50,000 + 1,60,000 होगा, तो ये 9,10,000 हो जाएगा। अब क्या करना है, सेम बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे अपोजिट साइड, जो भी साइड ग्रेटर होती है उसका बैलेंस अपोजिट साइड भी लिखा जाता है। तो 9,10,000 हो गया, 5,80,000 हो गया, ठीक है, और इसके बाद 3,10,000 हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। अब बैलेंसिंग फिगर के लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, बस हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। क्या करना है, 9,10,000 माइनस 1,50,000 कर देंगे, इसको दोनों को कंबाइन करके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो बुक में है, जो कि कितना है, 7,60,000 है, ठीक है। इसी तरह से 5,80,000 में से हम क्या करेंगे, 75,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 5,05,000। इसी तरह से 3,10,000 माइनस 60 करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2,50,000, ठीक है। तो बस आपका कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो गया, बुक में जो आंसर है उससे मैच हो गया। चलिए, होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके अलावा चैनल पर जुड़े।